वो वापसी वाले होंगे, सेफ होंगे एंड बचे हुए होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हमारे ब्लॉग में कोई आने वाले हैं स्पेशल, आप उनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो मिलवाते हैं आपको इन शख्स से, इन जनाह से। तो कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ। और बहुत दिनों के बाद ये दिल्ली आए हैं, तो इनका सफ़र बहुत दिनों के बाद दिल्ली की तरफ मुड़ा है और बहुत एक स्पेशल काम से आए हैं ये अभी। तो अभी वो स्पेशल काम अभी तो नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे, थोड़ा और वेट कीजिए फिर डिस्क्लोज़ करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मेडिकल स्टोर कुछ सामान लेने के लिए, मेडिकल आइटम्स। दिखाना भैया, अभी हम आए हैं यहाँ पर मोबाइल शॉप पे और सेल्फी स्टिक लेने आए हैं। तो बेसिकली अभी मैंने एक और न्यू गैजेट अब रेड करा है, तो ये वाली सेल्फी स्टिक है। तो बस अभी भैया लगे हुए हैं चेक करने में, और ये भी है, देखते हैं परचेज करते हैं नहीं करते इसको। वैसे लेना है, कैसे लेके आओगे? ले भैया बोल रहे हैं लेके जाएंगे। तो बस अब इसको देखते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। नहीं अभी तो भाई हम घर पहुंच चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रही है पैकिंग। तो हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप में, तो बस ट्रिप अभी थोड़ी देर में बताएंगे कहाँ जाएंगे। तब तक करते हैं पैकिंग क्योंकि टाइम बचा है बहुत ही कम। एंड बस लगे हुए हैं, और जो सेल्फी स्टिक लेकर आई थी वो मैं ये वाली लाई हूँ, लेकर आई हूँ लाइट वाली, और इसमें है स्टैंड भी है इसमें नीचे, तो ये ट्राईपॉड भी हो जाता है, 3-in-1 है। आपको दिखाती हूँ इसको, तो इस तरीके से इसके लेग्स भी हैं, 3 legs हैं, और ये वाइड ओपन भी है, ओपन भी हो जाएगी ये। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस थोड़ी सी देर में निकलते हैं, और इन शैतानों से मिलिए, इनको आ चुकी है नींद क्योंकि ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो बस हमारी ओला आने वाली है और अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। और सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ओला में और निकल गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। अब थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग, और फिर वहां से ट्रेन का सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा। यो गाइस कैसा लग रहा है आप सभी को? कैसा लग रहा है आप दोनों को? और बहुत दिनों के बाद एक साथ ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, बहुत टाइम के बाद हम ट्रेन में जा रहे हैं और तीनों के तीनों एक साथ जा रहे हैं। प्रियांश बहुत दिनों से हमारे साथ नहीं जा पा रहे थे, तो इस बार प्रियांश का भी प्लान बन गया हमारे साथ जाने का। तो प्रियांश आप हैप्पी हो हमारे साथ जा रहे हो? हमें अच्छा लग रहा है, हम जा रहे हैं कहीं। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिनों के बाद इन दोनों के साथ जा रही हूँ। देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज है आप सभी के। छाछ और ये कर रहे हैं एंजॉय।
छाछ, चटपटी छाछ, मसाले वाली छाछ भी आज पी रहे, और अब मैं भी करती हूँ डिनर एंजॉय। पिछले हुए हमारा डिनर पहुँच गया दूसरी सीट पे, पर आराम से लेट चुके हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं अपना, और यहाँ पर ये आ चुके हैं, वहीं चले जाओ। सो गाइस दिखाती हूँ इन लोगों की सीट कहाँ पर, मेरी भी अपर ही है इस बारी और उन लोगों की भी अपर है, और दोनों चले गए पापा बेटा एक साथ वहाँ पर बैठे हैं दोनों के दोनों, मस्त इन्होंने डिनर कर लिया है, और प्रियांश को अभी भी भूख पूरी नहीं हुई है मुझे लगता है। भूख लग रही है आपको? क्यों इतनी भूख क्यों लग रही है? क्योंकि आपका पेट इंडिया गेट है। ओके, और कैसा है आपका सफर अभी तक का, तो डिस्क्लोज कर दे अच्छे से, तो सुबह ही डिस्क्लोज करोगे। रेस्टोरेंट वहाँ पर वो बैठेंगे, और इन्हीं के सामने मेरी सीट है, मैं यहाँ पर बैठूंगी मस्त, और प्रियांश मांग रहे चिप्स, और ये अपने लिए बहुत अच्छे सारे आइटम्स लाए हैं ट्रेन में, ट्रेन में अच्छा खासा रश है, पूरी सारी सीट फुल है, और आप देख सकते हैं पूरी सीट फुल है, और सारे के सारे ही एक ही डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग खा रहे हैं कुरकुरे टकाटक खा रहे हैं, हमें यहाँ पर खा रही चीज़ केक, और टाइम से मन कर रहा था प्रियांश का ही चीज़ केक लाइक, एंड वो खा रहे हैं। हाँ ट्विनिंग भी हो रही है आज तो डैडी और बेटा की, और ट्रेन में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर 11 बज चुके हैं, और क्रियांश फुल ऑन मस्ती में है अभी भी, और कोई अभी ट्रेन में सोया भी नहीं है अभी तक, और यहाँ मैं लेट चुकी हूँ, और उधर से क्रियांश और क्रियांश के पापा उस वाली सीट पे। सो गाइस वो सो रहे हैं अपर में, मैं सो रही हूँ साइड अपर में, और देखो फ्रेम भी कितना अच्छा आ रहा है हम लोगों का, तो बहुत दिनों के बाद ट्रेन में एक साथ हम तीनों सफ़र कर रहे हैं, और बेसिकली जो मेरी फेवरेट सीट है वो साइड अपर है और साइड लोअर है, क्योंकि हमें ये दोनों सीटें कंफर्टेबल होती हैं, और नीचे हम आराम से व्यू इंजॉय करते हुए जाते हैं, और ऊपर आराम से ब्रांचों ब्रांच के लेडीज सो जाते हैं, बट आज हमें दोनों ही अपर मिली है, तो हम वैसे भी कोई व्यू नहीं मतलब दिखा पाएंगे, तो हम सारे व्यू मिस करेंगे, क्योंकि अब ऊपर तो नींद आ ही जाती है एकदम से। सो गाइज अब सोते हैं, हम मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री राम, हर हर गंगे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अब बस अपने डेस्टिनेशन में हम एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं मॉर्निंग में, ये बना आता लेक है, उसके बाद सीधे डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, और आप सारा देख सकते हैं आज हम दूसरी सिटी में जा रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं, नियर बाय ही है अपनी सिटी के, तो यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, और ये लोग तो चाय पी रहे हैं, चाय में चुकी नहीं होती, इसलिए मैं वॉक कर ले रही हूँ यहाँ पर, तो बस अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह ट्रेन से उतर के थोड़ा सा वॉक करने में, आज तो भी सो ही रहे हैं, अभी तक मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं करा है, अब थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर पता चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। गरम पोहा चाय हमारे लिए, कमेंट करना अगर आपको पता चल गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस थोड़ा सा वॉक करते हैं फिर चलते हैं। बोलो बोलो बोलो, अच्छा करता है, देखो अच्छा करता है। हेलो गाइस, बोलो क्या है, गरम की ना सियासी है ना, करो भाई ऐसे बात करते हैं, रात को सोते ही नहीं, बात करते हैं क्या, बात करते हैं, हमने बात नहीं करी आज, बात नहीं करी आज, तो करना है तो पहुंच गए हैं फाइनल अपने डेस्टिनेशन के, तो बस अब बाहर निकलते हैं ट्रेन से, एंड स्टार्ट करते हैं ट्रैवल, आप भी ब्लॉग बना लो, तो कैसा रहा आपका सफर, अच्छा रहा, आप इनसे मिला लो, यहाँ पर शाय कर रहे हैं।
ज्यादा एंटरटेन किया कि आने मॉर्निंग से। तो कैसा रहा आप लोगों का सफर? बहुत बढ़िया, मजा आया। आज इतनी बेसिक है अपने डेस्टिनेशन में, बस अब आप बाहर चलते हैं, ट्रैवल करते हैं कि हम कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं। चलते हैं, मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, हम उतर चुके हैं और आपको अपने वर्बली बता देते हैं। गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन और हमारा डेस्टिनेशन है उज्जैन, महाकाल की नगरी। कौन सी डेस्टिनेशन हमारी? महाकाल। सो कहाँ पर पहुँचे हैं हम फाइनली? उज्जैन, महाकाल की नगरी। तो अभी हमारा यहाँ पर 1 वीक का स्टे है और पूरा हम उज्जैन एक्सप्लोर करेंगे और ओंकारेश्वर भी जाएंगे ज्योतिर्लिंग। तो हम फर्स्ट टाइम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि सबसे। तो गाइस, आ चुके हैं बाहर से और मैं दिखाती हूँ आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन का व्यू। और क्रियांश और क्रियांश के डैडी जा रहे हैं आगे ऑटो सर्च के लिए और यहाँ पर बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो कि आपको प्रेफर करेंगे धर्मशाला और होटल के लिए या फिर मंदिर के जाने तक के लिए। तो बस अब हम भी ऑटो के सर्च में निकलते हैं एंड देन पहुँचते हैं होटल। फास्टिंग में ही है तो अभी हम जाते हैं महाकाल के दर्शन करके आते हैं सबसे पहले एंड। तो बस मैं भी रेडी होती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में और ये नेक्स्ट व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी मैं अभी आपको। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज हिमानी हिमांशु लाइफस्टाइल। कीप स्माइलिंग, थिंक पॉजिटिव एंड कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय।